रॉकी के बारे में ये है कि थोड़ा जोर से रॉकी के बारे में ये है कि एक लड़का है उसको पालती है जॉन करके करेक्टर है जॉन, वो उसको इंसान बनाता है और इसमें जो दिलीप ताहिर है जेजे का करेक्टर है वो उसको उसकी माँ से जो छोटा रहता है वो उसके उसका डैडी गुजर जाता है बच्चे का, 5 साल का बच्चा उसका डैडी गुजर जाता है, उसकी माँ उसको छोटा है माँ उसको पालती है, उसका हस्बैंड तो रहता नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि दिलीप ताहिर का जो जेजे है वो प्रॉपर्टी का डीलिंग करता है, हफ्ता वसूली करता है, उसके माँ पे नजर चले जाता है, उसको स्कूल जाती है तो देख लेता है, वो स्कूल जाती है तो देख लेता है, तो फिर दिलीप ताहिल है जेजे पता लगाता है उसके बारे में इको न तो मालूम पड़ जाता है। तो एक तो उसको लेडीज को चाहिए कि सहारा कोई सहारा मिलेगा, लेकिन उसको दिलीप ताहिल उसके शरीर पे वॉच रखता है और उसको यूज करता है प्रॉपर्टी उसके पैसे पे। एक दिन उसको बोलता है कि आप बैंक में आ जाओ वहाँ पे मिलते हैं, ये समझ जाती धीरे धीरे कि ये मेरे शरीर से प्यार करता है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, शरीर से मेरे पैसे से प्यार करता है। तो सोचती थी कि तो नहीं आती है बैंक में, तो दिलीप ताहिल उसके घर पे पहुंच जाता है, बोले तुम आई नहीं, तो वो बोलती है कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि तुम मेरे से शरीर से और मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करते हो, मैं तो सोची थी कि मेरा जो बच्चा है 5 साल का उसको सहारा मिलेगा, उसको सहारा मिलेगा और मेरा भी जीवन सही हो जाएगा और बच्चे को भी एक पिता जैसे प्यार मिलेगा, लेकिन तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुम प्रॉपर्टी तुमको चाहिए। तो दिलीप ताहिल भी समझ जाता है कि इसको मालूम पड़ चुका है, नहीं लिखती है तो उसको मार देता है। तो बच्चे उसको 5 साल का बच्चा रहता है वो देखता है, उसको देखता है, उसके बाद उसकी माँ को मार देता है, ऊपर से जम एक साइड में एक महल से जम करके नीचे आता है बच्चा और फाइट करता है दिलीप ताहिल के बॉडीगार्ड से। दिलीप ताहिल जो उसका बॉडीगार्ड गन निकालता है उसको मारने के लिए, दिलीप ताहिल बोलता है मत मारो ये बच्चे में बहुत दम, उसको उठा के ले जाता है, उसको उसको बाहर का कुछ मालूम नहीं है, उसको पालता है। बड़ा होके उसको एक गाने का एक थीम है उसमें उसको मालूम पड़ जाता है, उसको जॉन है जॉन उसको पालता है, एक हादसे में मिल जाता है जॉन को, जॉन जो सुदेश बेरी हादसे में मिल जाता है उसको, तो सुदेश बेरी उसको पालता है, तो उसको तो मालूम नहीं है कि मेरा माँ कौन है बाप कौन है दुनिया में क्या होता है कुछ मालूम नहीं है उसको। तो जॉन को जब मिलता है सुदेश बेरी को वो पालता है उसको, और पिक्चर में सुदेश बेरी और उसकी माँ का क्या कनेक्शन है वो जब आप पिक्चर देखेंगे मूवी तो वहाँ पूरा खुलासा होता है, अभी मैं पिक्चर का ज्यादा खोलना नहीं चाहता। म्यूजिक लेवल बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, अलका याग्निक जी हैं, ममता शर्मा, रितु पाठक एंड आजीव जी, आइए देखो अनूप जी भी आ गए हैं, अनूप जी प्लीज। बहुत खुशी है कि लेजेंड्स लाइक अलका याग्निक जी इज पार्ट ऑफ दिस म्यूजिकल ड्रामा, रितु पाठक आइटम सॉन्ग है तो ममता शर्मा से ज्यादा अच्छा कौन गा सकेगा, तो बहुत खुशी है। आजीवन है ही इज हियर विथ अस, अलका याग्निक जी ने भी मैसेज भेजा है, शी इज नॉट वेल, इवन ममता इज इन कलकत्ता, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल हैव एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड एज अ म्यूजिक लेबल वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स अ रोलर कोस्टर फिल्म, लॉट ऑफ एक्शंस एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा, सो वेरी हैप्पी कि इसमें 4-5 गाने बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर उसकी मेलोडी है, वेरी हमेबल एंड ईजिली एनी वन कैन रिलेट टू इट, सो आई एम श्योर इट विल एंथ्रॉल ऑल एज ग्रुप एंड आप सब लोग उसको देखिए और शेयर कीजिए। अनूप जलोड़ा जी पद्मश्री, अनूप जलोड़ा जी हमारे चीफ गेस्ट हैं, सर ललित दीदी ने बुलाया और आप आए, आप कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन रेड रिबन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, जब से ये कंपनी बनी है तब से मैं इनके साथ हूँ, और जब ये कंपनी नहीं थी तो मैं लालित के साथ था, तो हमारा पुराना
म्यूजिकल ब्यूटीफुल रिश्ता है जो चलता ही जा रहा है। हम लोग काम साथ में करते हैं, बहुत लुत्फ उठाते हैं, और ये नई चीज़ जो आज लॉन्च हुई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी कभी रुकने वाली तो है नहीं। आप समय समय पर नई नई चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और लालिति की तरफ से हमेशा पहल होती है कुछ ना कुछ नया करने की। हम लोगों ने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स की थी जो बिल्कुल नए किस्म की थी, उसमें भजन भी किए, गज़लें भी की, और एक तो कमाल का एल्बम बनाया, वो सिर्फ मेरे चुटकुलों का बना है, मेरे जोक्स का एल्बम बनाया कि उसमें सिर्फ जोक्स हैं, तबला बज रहा है पीछे थोड़ा थोड़ा और मैं उसमें जोक्स बोल रहा हूँ, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि ये मुझे उसकी रॉयल्टी भेजा करती है, इसका मतलब दिख रहा होगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है इस प्रोजेक्ट के साथ, जो जो लोग जुड़े हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। The gorgeous Leslie Tripathi, you know, and Rukshak ji, and we are so happy that you know, aap log sab idhar hai and making visual and audio you know, a great fest. And I'm so happy that Anup Jalota ji, my mentor, Padma Shri Anup Jalota ji is here to launch and give his blessings. And Shyam Singhania ji is also here, and Atrish is also here, and I'm very happy that all are here to give their blessings and wishes. So I think you should say something about your experience. Yes. Hi everyone, my name is Leslie Tripathi. I am in the role of Rita, and Rita is just another girl who जिसके बहुत सारे सपने हैं, but मम्मी पापा के प्रेशर से उसको बहुत सारे सपने त्याग करने पड़ते हैं, एंड देन उसका लाइफ कभी ज़्यादा खुशी भरा नहीं रहा, एंड शी इज़ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आप देखोगे तो जानोगे, बहुत रोना धोना है, एंड जेम्स सर ने बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंसेस दिए हैं फिल्म में, सो आई वाज लाइक एंजॉयिंग वॉचिंग द फिल्म व्हाइल एक्टिंग, एंड मेरे साथ को-स्टार्स रहे हैं, दे आर सुपर, आई एम सो हैप्पी कि मैं मुझे मौका मिला सबके साथ काम करने का। गाने बहुत अच्छे हैं, आपने देखा जीना यहाँ गाना है, और संग बाय हल्का याग्निक जी, इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जेम्स सर के जो कैरेक्टर्स होते हैं लीडिंग हीरोइंस का, बहुत प्यारा कैरेक्टर्स रहता है, दे आर स्ट्रॉन्ग द बोल्ड, एंड उसके डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क इन द फिल्म ऑफ जेम्स जॉन सर एज हिज एक्ट्रेस इन द फिल्म। सबसे पहले तो अनूप जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं अनूप जी जब भजन था, ऐसी लागी मीरा हो गई मगन, वो मैं इतना अच्छा लगता था, और मैं सोचता कि यार इंसान से कम मिलूंगा, लेकिन कमाल क्या हो गया, इनसे एज एन एक्टर मेरी मुलाकात, सत्य साई बाबा सर, आप एक्टिंग कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा, मैं तो आपका फैन रह चुका हूँ। तो फिर अनुज जी के साथ मैंने एक दो फिल्में की, एक फिल्म और फिर की, तो वेरी हैप्पी है, प्लीज यार। और दूसरी बात, तो मैं जेम्स बारला जी को मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा, और मैंने कहा कि मैं खुश क्यों, खुश इसलिए हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो रही है यार। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इतनी सारी फिल्में बनती है रिलीज नहीं हो पाती, थिएटर तक जा नहीं पाती, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक फिल्म को रिलीज करना एक बहुत बड़ी बात है, आप फिल्म बना तो लेते हैं लेकिन फिल्म को थिएटर तक लाना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो जेम साहब को सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा कि भैया, और ये दुआ करूँगा, और ख़ास करके मीडिया के दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप जितना ज़्यादा, क्योंकि एक आप एक ऐसा माध्यम है, मीडियम है, मीडिया ऐसा माध्यम है जो कि लोगों तक इस फिल्म को पहुँचाता, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो, उसे मीडिया तक पहुँचाता है, तो आप प्लीज़ इस फिल्म को जितनी मेहनत से, आज काफ़ी काफ़ी पहले मुझे जब जेम्स साहब का फोन आया तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया, जब साहब क्या कौन सी फिल्म थी, मेरा रोल क्या था, मैं खुद भूल गया था, उन्होंने बताया आपने के पी शर्मा का रोल किया था एज वसूली भाई, हाँ 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 मैंने कहा हाँ यस ये याद आया, तो थोड़ा सा
काफी टाइम हो गया, लेकिन मुझे खुशी है कि फिल्म रिलीज हो रही है। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। वैसे ही बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त, उसमें सुदेश बैरी हैं, घनश्याम हमारे दोस्त, उन्होंने भी एक अच्छा किरदार किया है इसमें। तो बस मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि लोग इसे देखें, पसंद करें और फिल्म अच्छी चले, तो सफल हो उसकी कामना जब तक। ऑल द बेस्ट। मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे पत्रकार भाइयों से, धन्यवाद करता हूँ जीसस मदनदरी माँ को जो आज ये मौका दिए, पिक्चर रिलीज होने जा रही है। जीसस मदनदरी माँ को से धन्यवाद करते हैं, उन्होंने साथ दिया। एक्शन भी सब रियल एक्शन है, कोई वीएफएक्स नहीं है। गाड़ी अगर उड़ रही है तो स्टंटमैन बैठ के गाड़ी उड़ा रहा है, और ये जो रही है जीसस मदर मेरी माँ को धन्यवाद करते हैं। मेरी वाइफ सौरभ वाला प्रोड्यूसर, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने इतना मेहनत की है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। बच्चों को भी संभालना, प्रोडक्शन हाउस को भी संभालना, बहुत तकलीफ से और बहुत दर्द से पिक्चर बनी है। मैं सौरभ वाला को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पिक्चर बना के रिलीज करने जा रही है। मैं तो चलो टेक्नीशियन आदमी सेट पे काम किया, लेकिन सौरभ वाला बहुत मेहनत की है वो। एक छोटा गाना भी बनाओ तो उसमें कितनी मेहनत होती है, फ्रॉम लिरिक राइटर टू सिंगर टू म्यूजिक कंपोजर, अरेंजर, लाइव म्यूजिक, देन मिक्सिंग, मास्टरिंग। एक गाना बना उसमें कितने लोग और कितनी मेहनत होती है। यू पुट अमेजिंग फिल्म टुगेदर विद सो मेनी लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड लेजेंडरी सिंगर्स, एंड आई एम सो हैप्पी दैट जेम्स बालाजी excellent work, and मुझे लगता है इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में है and ये उनका best as a director work है। and शोभा जी congratulations, heartiest congratulations for your amazing effort, and I'm sure ये सब लोग आपका ये effort बहुत दूर तक पहुँचाएंगे, right? पहुँचाएंगे ना? Yes, yes, yes. yes. आदरणीय अनूप जी और हमारे सीनियर बड़े भाई मुश्ताक जी और सभी जी, ये मूवी में जितनी मेहनत मैंने देखी है पूरी मूवी के दौरान, हमारे प्रोड्यूसर भाभी जी, शोभा बाला जी, डायरेक्टर जेम्स जी, और जिस तरह मुंबई में लगातार बारिश बरस रही है उसी तरह इसमें थिएटर में पब्लिक बरस जाए तो मजा आ जाए। और मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ, ऐसी दुआ देता हूँ। और मैंने इसमें एक रोल किया है मुंबई का भाई उस्मान भाई, और जेम्स ने कराया है, और बाकी बहुत बहुत शुभकामना पूरे टीम को, पूरी मीडिया को, सबका धन्यवाद। मैं मास्टर जी को बधाई देता हूँ, और बहुत पीछे चले और इनकी मनोकामना पूरी भगवान की मनोकामना पूरी करे। और मैं छोटा सा रोल है, मेरे इसमें फाइट भी है, उस्ताद कांजे के साथ मेरा रोल भी है, और अनुज छोटा प्रणाम करता हूँ। भगवान करे तो पूरी पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में चले, भगवान को यही मेरी दुआ है। I'm also an engineer, by the way, so it's like dual profession that I carry on with. So whatever, जिस मकाम पर मैं पहुंच गया हूं, वो अपने आप में मैं समझता हूं कि ये भगवान की कृपा के बिना ये आदमी नहीं कर सकता है। तो first of all, I want to thank you, James, John, Balaji, to give me such huge chance and stick up with me. Although he had feedback from late Adesh Srivastava ji,
I want to thank you. I'm remembering him. He launched my first album, and you know, a lot of credit is due to him that I'm sitting here. So, मैं कोशिश करता हूँ वो जहरीला खंजर वो ऐसा मंजर तूफान है जिसके सीने के अंदर जलता शरारा वो है अंगारा जब वो चले तो उठता पवंडर जरा संभल जा बच के निकल जा रखनी जान जो बाकी राखी रा रा राखी राखी रा रा राखी मरना है something like that I don't remember the album anyway thank you very much you know and best of luck by the way to all of us you know I had a sneaky feeling that this movie, the kind of obstacles it has come through, is not going to go west. It doesn't happen just like that. It is meant for big things one way or another. So, you know, again, congratulations everybody, especially James John Bhavadi. Thank you very much, guys. Abhi jis gaane ka zikr kiya, main wahi suna deta hoon. ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मदन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन एक्शन सीन के बारे में ये भी सारा एक्शन डिजाइन किया मैंने और फिर फाइटर लोगों को रेडी किया जो उस एक्शन को कर सकते हैं वो हम लोगों को बुलाया एक्शन किया हम लोग वो लोगों जिसमें पासी को लोग एक्शन कर रहे थे बिल्डिंग को बीच पे वहाँ गाड़ी उड़ाना है बहुत दिक्कत हो रहा था वहाँ पे लेकिन वहाँ पे हमने छह छह गाड़ी उड़ाया छह छह मोटरसाइकिल उड़ाया लेट किया अभी शूटिंग कर रहे थे रनिंग गाड़ी कैरिंग करना था गाड़ी उड़ाना था स्टार्टिस्ट वगैरह सब बैठे हुए हैं वहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लेकिन सब रियल एक्शन है और मैं सारे फाइटर लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो स्टंट मैन लोगों ने काम किए उन सबको धन्यवाद करता हूँ और सौ वाले को धन्यवाद करता हूँ अनु जी आए अनु जी को धन्यवाद करता हूँ मुस्तार भाई को धन्यवाद करता हूँ बहुत हेल्प किए मुझे मुस्तार भाई ने कोई पिक्चर मैंने बोला मुस्तार भाई को भी करना है पिक्चर बोले ठीक है पेमेंट की बात नहीं की कुछ भी नहीं आगे बहुत हेल्प किए मुस्तार भाई को दिल से धन्यवाद करता हूँ बहुत संभाले मुझे मुझे मेरी वाइफ को बहुत संभाले बोल करो अभी घनश्याम जी हैं उधर भी बहुत संभाला है जैसे त्रिपाठी ने बहुत कॉपरेट की सारे एक्टर को मैं धन्यवाद करता हूँ सत्ती जी हीरो पिक्चर से हमारी पहचान थी सत्ती जी से सत्ती जी ने वो हीरो के टाइम में मेरी बात हुई थी उनसे तो पहचान थी वहाँ से फिर मेरी उसे पिक्चर शुरू किया तो बात हुई और मैं बोला ऐसे ऐसे रॉकी पिक्चर शुरू कर रहा हूँ आप पहले रॉकी में भी थे मैं चाहता हूँ इसमें भी आप काम कीजिए उन्होंने भी कुछ पेमेंट वेमेंट का पूछा नहीं दो लाइन से मुझसे पूछा क्या है और मैं करता हूँ तो सत्ती जी ने वो मेरे बड़े भाई भी हैं बहुत हेल्प किया सक्ती जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया दिलीप टाइगर भी सारे एक्टर का भी पेमेंट के लिए नहीं पूछे कुछ नहीं टाइम पे आए अपना काम करके गए सारे एक्टर को धन्यवाद करता हूँ मैं और आप लोग सब आए मीडिया भाई लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को आप लोग आए टाइम लिए सारा कुछ सुने बस आप लोगों से विनती है प्रार्थना है इस पिक्चर को आप लोग अच्छे से प्रमोट किया हमने बहुत मेहनत की इस पिक्चर में और प्रोड्यूस से मैं बोलना चाहता हूँ जनता से भी बहुत मेहनत करके बनाया है पिक्चर को आप लोग देखिए प्यार दीजिए पिक्चर को पिक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगता है और सारा कुछ आप लोग देखिए अच्छा लगेगा आप लोगों को और दिल से बनाया है पिक्चर को आप सबको धन्यवाद करता हूँ और सारे जो देखने जा रहे हैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद गॉड ब्लेस यू
सलाम देता हूँ और जेम्स को बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत मेहनत की है। ऐसे मेहनत इंसान को कहां से कहां पहुंचाती है, उसका एक उदाहरण जेम्स है। बहुत पिक्चरों में इनके साथ एज अ फाइट मास्टर, जैसे फाइट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, काम किया, लेकिन एज ए डायरेक्टर आर्टिस्ट इनके साथ रॉकी स्लेव में काम किया, बहुत आनंद आया। आई विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट एंड आई विश दिस फिल्म डज वेल। He believes in Christ, he believes in Jesus, and may Jesus bless him. His church going genuinely, a very hard working man, believes in God, and God is going to bless him and his family and the entire unit. Thank you very much. Thank you. So, his premiere was, so I had to go there, my son Siddhant Kapoor. तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट हुआ हूँ, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जीना इसी का नाम है, मेरे ख्याल से यही नाम है, मैं एक बार ही देख लूँ। रुचिका वही छप जाएगा। चेक कर लो। सिद्धांत की फिल्म की सुझाई। चलती रहे जिंदगी। पिक्चर का नाम है चलती रहे जिंदगी और शॉट द फिल्म इन यूके एंड आई विश बोथ द टीम ऑल द बेस्ट। चलती रहे जिंदगी एंड रॉकी इसलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मे गॉड ब्लेस माय सन, मे गॉड ब्लेस जेम्स एंड द यूनिट एंड रॉकी इसलिए।